मानिकपुर पुलिस को वाहन जांच के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक सवार एक युवक को पकड़ा है, जिससे चांदी के जेवर और गला हुआ सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 3,06,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ला के विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने दिशा निर्देश जारी किया है। उनके निर्देश पर वाहन जांच अभियान तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में सोमवार की सुबह मानिकपुर पुलिस चौकी प्रभारी प्रेमचंद साहू अपनी टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार एक युवक मौके पर पहुंचा। पुलिस ने संदेह होने पर उसके पास रखे बैग की तलाशी ली तो चांदी के जेवर और गला हुआ सोना मिला। पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम मूलतः कोलकाता हाल मुनाक पटेलपारा कोरबा निवासी मनोज मैटी बताया। वह जेवर व सोने से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने युवक से 34 ग्राम गला हुआ सोना, सोने के गहने व लगभग 2 किलो चांदी के जेवरों की जब्ती बनाई है, जिसकी कीमत 3,60,000 रुपए आंकी गई है। मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जो भी कैश फ्लो है उसको रोकना है और कार्रवाई किया जाना है। इसके लिए वाहन चेकिंग पॉइंट लगाया गया था और लगातार सघन चेकिंग किया जा रहा था। इसी दौरान बीते रात को मनोज मेंटी के पास से लगभग 34 ग्राम सोना और लगभग 2 किलो चांदी कीमती लगभग 3,06,000 के आसपास को जब्त करके 102 दिन प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई किया गया है। कीमत क्या है? कीमत लगभग 3,06,000 के आसपास। ये क्या वजह से कुछ बताया था, कहाँ से आ रहा क्या है? वो बिल तो पेश नहीं कर पाया, उसका दावा नहीं कर पाया, इसीलिए 102 में जब्त किया गया। पुलिस ने सभी जेवरातों को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। कोरबा से पवन तिवारी के साथ मनोज यादव।